आई थी, ये 2.5-3 साल की थी और तब से मेरे साथ लड़ती लड़ती आ रही है, पर अभी बहुत बड़ी हो गई है। बहुत ही दीदी बुलाती थी हमको, तभी वो निकल लिए। बाय बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ और कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। ये वाला साड़ी आप लोगों को तो दिखाई थी कि मैं ये वाला पहनने वाली हूँ, तो हम लोग आके यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, सबको कैसे तैयार हुए हैं। नंदिनी, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ईटिंग गोलगप्पा? मुझे भी दीजिए, मुझे भी खाना है। ये देखिए, ये देखिए बाबा, अपन खाएबे गोलगप्पा? हाँ गोलगप्पा। बाबा कभी नहीं खाते हैं ये सब चीज़। हाँ, माँ को तो बड़ी पसंद है। ये देखिए माँ को आके भीड़ गई पूरा। माँ की कुचन की खाऊ चन खाऊ खाऊ मार दिए। हाँ मार दिए। इस दोनों का कंपटीशन चलेगा। भैया बोले किए जाने की मम्मी क्या बोले? ला नाम कर दो, ये पकड़ो, ले ले मेरा दो। नमक थोड़ा कम है। हाँ तो दूर करना नहीं, उधर हम कहाँ घुसे। पिछले साल इसका शादी में हम लोग एंजॉय किए थे और इस साल को बोलती है सरस्वती का सेल्फी। हाँ। शोभा इस साल गुड न्यूज दे रही है। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, सबको हेलो बोलो। तोर को लड़की है लो? आइसक्रीम 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 तो खा ली लो। ठीक शोभा, कैमन लगछ तोके? बहुत भलो, बहुत भलो। गुड न्यूज दिच्छु से जना। थैंक यू। शर्मा गई। Thank you.
लिए और बेटी को टायर्ड लग रहा है क्योंकि आज ही हम लोग आए हैं। तो आप लोगों को तो पता है, ब्लॉग सब में देख रहे हैं आप लोग कि दिन भर हम लोग का गया है, ये समय दिन भर तो गया, फिर शाम को भी हम लोग थोड़ा काम में फंस गए जिस वजह से हम लोग का आते आते बहुत लेट हो गया। तो अभी हम लोग खा चुके हैं, पर शादी जो है यहाँ मंडप में नहीं होने वाली है, शादी हम लोग के घर में ही, मतलब हम लोग के ही बगल में ही होगा। तो फिर वहीं ये लोग सब चल जाएंगे, दूल्हा दुल्हन सब कोई, और दूल्हा भी आ चुका है और गाड़ी में है अभी। तो हम लोग मिल के आए, बस मैं फ़ोटो नहीं ली क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है ना, पता नहीं कैसे फील करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि शादी जब होगा ना उस टाइम जाके मैं फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ ले पाऊँ। बहुत सुंदर दूल्हा है और हम लोग मिल के सब कोई आ गए हैं क्योंकि भाभी हैं यार। ऐसे बोल रही है कि दुपट्टा को हाथ में दोनों ओर लेके आई थी और अभी एक तरफ कर चुकी है क्योंकि अभी उसको इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। और अभी उसको थोड़ा बाई करके जा रहे हैं, फिर तो घर में मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं उसको बाई करके आती हूँ, फिर चेंज करूँगी, फिर रात को दिखाऊँगी और बाकी का शादी का छोटा छोटा प्रोग्राम जो भी होगा मैं अगर जग पाई तो पूरा। हमारा एन जाची घर तुम्हारे बोर देखिए अनेक सुंदर स्माइल, तो देखिए दूल्हा सुंदर बोल दिए तो सही खाने देखा हुए। बाय 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 सुंदरियों, बाय बाय। माँ बाबा निकल चुके हैं आगे आगे और माँ बुला रही है क्योंकि अभी हम लोग पैदल चल जाएंगे, आते टाइम ऑटो से आए थे और अभी हम लोग पैदल पैदल जाएंगे। और बेटी बहुत टेस्टी था, बहुत खट्टा सा तीखा तीखा सा, बहुत मजा आया। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि सुबह का 4 बजने जा रहा है, तो मैं थोड़ा बेटी को देख के आऊँगी, फिर से कुछ टाइम बाद आना है मुझे क्योंकि रात भर पार हो गया ऐसे में, और थोड़ा सा बेटी को देख के। फाइनली वो पल आ गया जो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है लड़की वालों के लिए, क्योंकि बेटी का विदाई सच में बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। लड़कों वालों के लिए तो अच्छा है, बहू लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर बोलते हैं ना चावल जैसे पीछे की ओर छिड़कते हुए आते हैं, माँ पापा का कर्ज को उतार दें, पर कभी माँ पापा का कर्ज कोई उतार पाया है ना पाएगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो रहा है, पर क्या करें बेटी को एक दिन जाना ही रहता है। तो चलिए जो भी है अभी विदाई का पल है, माँ को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि हमेशा बड़ी मम्मी घर के आती हैं, बातें करती हैं और माँ का बेटी की तरह बहुत सारा काम भी कर देती हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग के साथ हम लोग का दिल का बहुत ज़्यादा रिश्ता होता है, इसीलिए खासकर मैं वहाँ से यहाँ भाग कर आई हूँ इसी की शादी के लिए। तो विदाई होके अभी वो ससुराल चली जाएगी अपनी दुनिया में मस्त। तो चलिए
आज का ब्लॉग को वहीं पर एंड कर देते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ मिलूंगी। अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और स्वाति और साथ में पति को, दोनों को शादी की बहुत सारा बधाइयाँ दे दीजिए। बाय बाय।